सो मुझे एक सर आते दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं इस नर्सरी के बारे में। आइए दोस्तों पूछा करते हैं। हेलो भैया। हाय भैया, आपका नाम क्या है? अवनी चोपड़ा। अवनी चोपड़ा जी, इस नर्सरी के बारे में बताइए कि आप कब तक कब से आ रहे हैं, कुछ आपके बारे में, कुछ पौधों के बारे में बताइए और दर्शक कैसे पहुंच सकते हैं। गार्डनिंग मेरी हॉबी है। अच्छा, तकरीबन 400 कुछ पौधे हैं घर पे। अरे वाह, क्या बात है। एंड मैं निशा नर्सरी में आई थिंक 3-4 साल से आ रहा हूँ। ओके। एंड अगर आप यहाँ एक्सटेंशन रोड पे देखो, कम से कम यहाँ पे 100-150 नर्सरीज होंगी। हाँ हाँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुतों से पहले लिया। अच्छा। बट दिस इज द मोस्ट जेन्युइन नर्सरी। क्या बात है। यहाँ पे ये आई थिंक खुद सीड से ग्रो करके प्लांट्स को करते हैं। जितने प्लांट्स यहाँ से लिए मैंने आज तक, दे लास्ट, कभी खराब नहीं होते। अच्छा। बाकी किसी नर्सरी से पौधे उठाओ तो वो एक सीजन चलते हैं या खराब हो जाते हैं, जो भी है। अच्छा। उनके वो सप्लायर्स का काम है। हाँ। इनका ये डायरेक्ट अपने करते हैं, बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, बहुत अच्छा। एंड ऑल्सो तो, ये बहुत अच्छा एडवाइस भी देते हैं। अगर आपने कोई प्लांट का केयर वगैरह बात करनी है, आप सुमित हैं और लोग हैं। हाँ, हाँ। आप किसी से बात कर लो, आपको एकदम जेन्युइन एडवाइस देंगे। तो आपका इसमें 400 पौधे, आप मेन आपका क्या मतलब एक्सपर्टीज है पौधों में, मतलब कौन से पौधे ज्यादा आप प्रेफर करते हो, लोगों को बताओगे? बेसिकली ज्यादातर इंडोर प्लांट्स या सेमी शेड वाले प्लांट्स है, नॉट धूप वाले नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है इनकी। अच्छा। एंड थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वो मेंटेन करने, फुल टाइम उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मैं यहाँ से लेता हूँ। एंड देन कुछ भी प्रॉब्लम भी कुछ होती है तो ये इनफैक्ट देव ऐसा भी हुआ है कि मैंने कभी यहाँ से पौधे का लिए, बाई चांस खराब हो गए, नहीं चले, वापस आया उन्होंने रिप्लेस कर दिया। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हे गाइस, माय नेम इज संदीप कल्चर एंड वेलकम टू माय चैनल टिशू ग्रीन प्लांट्स। दोस्तों आज हम आ गए हैं निशा नर्सरी, जो सेक्टर 57 में पड़ती है, गुड़गांव में। मैंने इनकी नर्सरीज पहले भी कवर करी है और हमारे साथ है सुमित जी, जो यहाँ के ओनर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा इस जर्नी के बारे में और कहाँ कहाँ मतलब आपकी नर्सरीज हैं और कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो सुमित जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम है सुमित और ये अपनी नर्सरी है सेक्टर 57 में, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, नियर राजधानी रियल इस्टेट। और अपनी दो नर्सरी और हैं, एक है रजोकरी में ऑन रोड NH8 नियर उमराव होटल, और दूसरी नर्सरी है बिजवासन में जिसका नाम है ग्रीन प्लैनेट नर्सरी, वो अपनी बिजवासन नियर सेक्टर 22 द्वार गुड़गांव पड़ती है। ओके। तो जो ये उमराव के पास में जो है, इसका नाम क्या है इस नर्सरी का? उस नर्सरी का भी नाम निशा नर्सरी है। निशा नर्सरी, और इसका भी निशा नर्सरी, इसका नाम भी निशा नर्सरी। उसका ग्रीन प्लैनेट क्यों रख दिया? वो अपनी अलग ब्रांच बनाई। अच्छा, अलग ब्रांच है। अच्छा, नए नाम से करी गई। अच्छा, तो सुमित जी आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, कोई अगर ऑनलाइन वगैरह मंगवाते हैं तो कैसे आप होलसेल पे देते हो या रिटेल पे, पॉसिबल है, कैसे करते हो? दोनों चीजें पॉसिबल है, होलसेल भी रिटेल भी। हाँ। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर कस्टमर को एक दो पीस चाहिए होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है, महंगा पड़ता है, फायदा नहीं होता उस चीज के अंदर। जिसको ज्यादा सामान चाहिए होता है उसको थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि पूरा टेम्पो जाता है, उसको रीजनेबल पड़ जाता है। अच्छा, तो ठीक है, तो थोड़ा हमें कवर कराइए कि कैसे, कौन से पौधे लेने चाहिए, कौन से भी टाइम पे सीजनल नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। तो शुरुआत की करते हैं। सो जो ये पूरी एक प्रॉपर बास्केट बना रखी है, तो ये सननेरिया हो गया, पेटूनिया, इनका क्या रेट है भैया इनका? ये अपना सननेरिया है, 6 इंची पॉट है, ये 80 रुपए का है। अरे वाह, क्या बिल्कुल गुलदस्ता सा बना हुआ है ये, कितना सुंदर लग रहा है ये पेटूनिया वाले। फिर ये पेटूनिया आ जाता है अपना 6 इंची पॉट के अंदर, 50 रुपए का होता है। फिर 6 इंची पॉट में अपनी पेंजी है, ये भी 50 रुपए की है। फिर ये अपनी पेटूनिया की बास्केट आ जाती है, इसको आप हैंग कर सकते हैं, ये बास्केट है ये। हाँ जी, ये 100 रुपीज की। इसके फूल भी कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। वाह, ये कितने बताया भैया आपने? ये 100 रुपीज का। अच्छा, एक बात बताइए सुमित जी, अगर कोई लोग आपसे बल्क में लेते हैं तो क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह कर देते हो? बिल्कुल जी, जिसका बल्क में होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको बिल्कुल डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, चलो, जो पॉसिबल होता है, जो कर सकते हो। हाँ। बिल्कुल, जो पॉसिबल होगा जरूर करते हैं। ठीक है। सो सुमित जी, ये जो विंटर वाले फ्लावर जितने अच्छे खिले हुए हैं, इनका क्या रेट है? ये थैली में है, इनका क्या रेट है? ये पॉलीबैग के अंदर अपने 20 रुपीज के हैं, ज्यादातर वैरायटी इसके अंदर 20 रुपए वाली है, कुछ वैरायटी है जो थोड़ी इससे महंगी में आती है, अपना 30 रुपए है, 40 रुपए है, 50 रुपए है। साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज अलग हो जाता है, रेट बदल जाता है। मैक्सिमम चीजें 20 रुपए में मिल जाएंगी इस टाइम। ये जितने भी पेटूनिया खिले हुए हैं फूल वाले, ये सिर्फ 20 रुपए के हैं इस टाइम पे। तो वर्बीना, पेटूनिया और ये जितने भी पेंजी वगैरह, सारे के सारे साल्विया, ये सब आपका 20 रुपए की रेंज के अंदर आता है। 20 रुपए में। फिर ये अपना बिगोनिया आ जाता है। भाई, बिगोनिया का क्या रेट है? ये अपना 40 रुपीज का है, ये अपना लॉन्ग टाइम है, अपना जुलाई अगस्त तक अपना फ्लावरिंग करता है। हाँ। सबसे लंबा यही चलेगा अपना बिगोनिया। हाँ जी, बिगोनिया, क्योंकि पेटूनिया वगैरह तो है कि अप्रैल तक और मई तक खींच लेता है मैक्सिमम। मैक्सिमम है अपना
टू मंथ और चलेगा बस, उससे उसके बाद नहीं। लेकिन जो आप बिगोनिया कह रहे हैं ये जुलाई अगस्त तक, हाँ जी ये चलेगा, ये अपना लंबा चलता है जी। अच्छा सुमित भाई इस प्लांट के बारे में बताओ, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितने अच्छे बर्ड आ रखे, कितने अच्छे फूल भी आ रखे हैं, कुछ बताइए। ये अपना जेरेनियम का प्लांट है, इसके अंदर अपने 6 से 7 कलर मिल जाते हैं और ये बड़ा हार्डी है, ये अपना गर्मियों में भी चल जाता है, यानी समर ये है तो अपना सर्दियों का, लेकिन ये समर तक लंबा चलता है, काफी खींचता है, जून तक अपनी फ्लावरिंग करता है। अच्छा वेरी नाइस। जैसे अब इसका ये फ्लावरिंग ब्लूम हो जाएगा, उसके बाद इसकी ये जो स्टैम्प होती है अगर आप इसको काट देते हैं तो दोबारा से नीचे से दूसरी नई कलियां निकलती हैं और अच्छी फ्लावरिंग करता है प्लांट अपना। और इसका रेट क्या है? ये अपना 100 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, इसमें 100 रुपए है, 150 है, 200 है। जैसे आपका ये वाला है ये छोटा, उसमें ये छोटा साइज है, ये 100 रुपए का, ये वाला जो इससे बड़ा साइज है ये 150 रुपए का है। अच्छा ये तकरीबन 7-8 इंच का पॉट, ये 7 इंची पॉट है, ये 6 इंची पॉट है। अच्छा नहीं लेकिन ग्रोथ तो है इसकी, देखते ही बनती है नो डाउट। ये अपना गजेनिया का प्लांट है, ये आपका सीजनल जो फ्लावर आते हैं अपने सर्दियों के उनके अंदर जो सबसे लंबे चलते हैं उसके अंदर ये गजेनिया भी आता है, ये अपना मई से जून जुलाई तक फ्लावरिंग कर देता है। अगर इसको आप मिट्टी में लगा देते हैं तो आपका जून जुलाई तक जाता है, अगर पॉट में लगाते हैं तो आपका मई तक अच्छा फ्लावरिंग करता है। और इसके अंदर भी आपको 5-6 कलर मिल जाते हैं, इसके अंदर येलो कलर आता है, रेड कलर आता है और मिक्सिंग में 3-4 कलर और आते हैं। और इसका 6 इंची पॉट के अंदर रेट 50 रुपये का होता है। सो मैं अगर एक बात बोलूँ ना कि इंडोर प्लांट्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी आंखें खुली खुली जाएंगी, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, आप बिल्कुल देखिए एक एक पौधा चमक रहा है बिल्कुल, कितनी सुंदर नर्सरी है, कितने अच्छे इंडोर प्लांट्स हैं। सो सुमित जी कुछ इन पौधों के बारे में बताइए कि कैसे लोग आपसे ले सकते हैं, क्या रेट पड़ेगा, थोड़ी केयरिंग वगैरह भी थोड़ा सा हमें समझाइए इसके बारे में प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने कुछ इंडोर प्लांट हैं अपने, स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपना संगोनियम रखा हुआ है, ये 80 रुपये के रेट में है। ओके ये अपना वेरिगेटेड मार्वल प्रिंस है, ये 150 का है। ये अपना गोल्डन फोटोस है, 100 रुपीज़ का है। फिर उसके आगे ये अपना फ्लोरोडेंडन ब्रिकन है, ये इसका छोटा, हाँ ये फ्लोरोडेंडन ब्रिकन है, ये अपना छोटा प्लांट है, ये 150 का है, 150 रुपीज़ का। हाँ जी तो ये चलता है ये अभी पूरा? हाँ ये ऑल ईयर प्लांट होते हैं अपने। अच्छा इंडोर है अपने, टेबल टॉप भी रख सकते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, कलरफुल लीव्स होते हैं इनके। ये अपना पीस लिली आ जाता है, ये 200 की रेंज में है, ये एयर प्यूरीफायर है, ये टॉप 10 प्लांटों में से एक है ये वाला ना। हाँ जी ये पीस लिली है, ये अच्छा। अपना टॉप 10 में आता है, नासा ने भी इसको सर्टिफाइड कर रखा है। वेरी गुड। फिर ये अपना एग्लोनीमा अंजुमन आ जाता है, कलरफुल लीव्स होती हैं इसकी, देखने में सुंदर लगता है। फिर ये अपने ग्राफ्टेड, इनका रेट क्या होगा? ये एग्लोनीमा अंजुमन है, इसके अंदर जो छोटा है 6 इंची पॉट में है वो अपना 350 का होता है। ओके। और जो बड़ा प्लांट होता है 8 इंची में वो 650 रुपए का। और पीस लिली का क्या रेट था? पीस लिली अपनी 200 से स्टार्ट होती है। अच्छा, इसमें भी कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी अपने को। ओके। पीस लिली में मेरे पास एक अपनी वाटर वाली पीस लिली भी है, ये रखिए, ये हाइड्रोपोनिक पीस लिली है, नीचे अपना वाटर स्टोर हो जाता है आपका, जो इसको हमेशा से नीचे अपना रिफिल कर देते हैं वाटरिंग से। ये कितने का हुआ? इसकी कॉस्ट 750 रुपीज़ है। ओके। ये अपनी मनी प्लांट की वैरायटीज हैं, ये अपना तो नॉर्मल मनी प्लांट जो होता है, इसी में मनी प्लांट के अंदर ये दो वैरायटी और आती है, एक ये होता है ग्रीन ऑक्सीकोडियम और एक होता है गोल्डन ऑक्सीकोडियम। ये इंडोर के अंदर बहुत अच्छा चलता है, एयर प्यूरीफायर होता है, देखने में सुंदर भी लगता है। इसके अंदर आप NPK डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। ये अपनी क्रोटन्स की वैरायटी है सारी, ये छोटे पॉट में 6 इंची में, ये 150 का है। ये अपना जीजी प्लांट है, ये 10 इंची पॉट में 650 रुपए का है। एक बात सुमित भाई, जो ये वाले पौधे के बारे में थोड़ा सा कुछ खासियत बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट है और जो बिल्कुल नॉन मेंटेनेंस वाले इस पे चलता है। ये अपना सबसे ज्यादा लो लाइट प्लांट है, ये कम से कम लो लाइट के अंदर भी चल जाता है, सर्वाइव कर जाता है, इसको पानी बहुत कम चाहिए और ये एयर प्यूरिफायर है। करेक्ट। और मतलब दोस्तों मैंने भी काफ़ी पौधे अपने घर पे लगाए हैं और इतने आराम से चलते हैं, मल्टीप्लाई बहुत आराम से हो सकते हैं। सो अगर आपको एक पौधा चाहिए हो जो बहुत अच्छा चले तो ZZ प्लांट है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जेमिकोलिस जेमिफोलिया है, जेंजीबार जैम है, तो एक पौधा अगर आपके पास में नहीं है तो ये ले लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और ये वाला जो है ये फिर ये अपना ड्राइसिनिया महात्मा आ जाता है, इसका रेट 300 है। ओके। फिर अपना ये अभी नई वैरायटी आई है, ब्रासिया है, ये गोल्डन कलर का है। ब्रासिया, हाँ जी। इसका क्या रेट है भैया? इसका 2000 रुपये है। ये अपना ड्वार्फ सफलेरा है,
ये अपना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रहता है। अब ये 10 इंची पॉट में है और इसके अंदर मल्टीपल प्लांट लगे हुए हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। अच्छा आप बोलो कि ये इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं आती इसकी? नहीं, ये ड्वार्फ वाला है, जो नॉर्मल आता है उसकी हाइट बड़ी हो जाती है। ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा रहता है। ओके, इसका क्या रेट है आपने? इसका रेट 450 है। इसके अंदर 3 प्लांट लगे हुए हैं एक ही पॉट के अंदर। 3 ही 4 लगे हैं मेरे ख्याल से। 3 तो है ही है, बाकी किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा हाँ, फिर तो है, जायज़ है रेट इसका। फिर ये कुछ अभी मनी ट्री आया हुआ है अपने पास। क्या नाम है इसका? मनी ट्री। हाँ जी, मनी ट्री भी बोलते हैं इसको, रेड मचीरा भी बोलते हैं। अच्छा, ये ब्रीडेड फॉर्म में आया है, जैसे इसको किसी ने बुन दिया हो। अरे वाह, एक बार उठा के दिखाइए भैया, कैसे क्या है इसका? ये अपना है। अरे वाह, इसके अंदर 14 प्लांट लगे हुए हैं, छोटे से प्लांट। हाँ जी, वो भी 6 इंची पॉट के अंदर। हाँ, ऐसा लग रहा है पपीता का पपाया का प्लांट हो, जगह छोटा सा उसमें बुन जाइए। इसका क्या रेट है इसका? इसका रेट जी 7500 है। अच्छा, ओके। ये भी बाहर से इम्पोर्ट करा जाता है। हाँ, ये भी बाहर से आया हुआ है। ओके, अभी नए नए ही प्लांट अभी आए हैं, उसमें आया है ये भी। और ये कोकोपीट में लगा हुआ, इसको कोकोपीट में ही लगाना है या फिर मिट्टी विट्टी में भी? मिट्टी में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट के अंदर इसलिए लगा दिया जाता है ताकि थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, ठंडा बना रहे, मॉइस्चर बना रहे ना, डेली डेली पानी देने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कोकोपीट के अंदर अपने प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं 7500 एक बार देखने में महंगा लगेगा, लेकिन आप देखिए इसमें 14 पौधे लगे हुए हैं, 14 से 15 के करीब पौधे लगे हुए हैं, और इसकी जो लुक है, इसकी जो है आपके गार्डन में, आपके छत पे, टेरेस पे रखे हुआ, इतना सुंदर लगेगा कि लोग आपसे दूर दूर से पूछने आएंगे कि यार ये वाला पौधा कहाँ से लेके आए। तो मैं बोलूंगा कि ये पौधा तो निशा नर्सरी से लेके आए हम। देखिए कितना सुंदर है, ऊपर से इसकी लुक देखिए, क्या बेहतरीन है। ठीक है, हैंगिंग में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रही है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि हैंगिंग के ऑप्शंस बताइए। आपके पास मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, तो बताइए कुछ इन पौधों के बारे में, कौन से ले सकते हैं? हैंगिंग के अंदर अपने पास 10-12 वैरायटीज मिल जाएंगी। ये अपना वेरीगेटेड मनी प्लांट है, उसके बाद में एक ये फाइकस मिनिएचर वैरायटी आई हुई है बास्केट्स के अंदर, फिर उसके बाद ये बिगोनिया रेक्स आया हुआ है, फिर उसके बाद अपना गोल्डन फोटोस आ जाता है जिसका रेट 350 है। काफी सुंदर लग रहा है देखने में। उसके बाद ये अपना गोल्डन फर्न आ जाता है, बोस्टन फर्न जिसको बोलते हैं। हाँ जी, बोस्टन फर्न अपनी ग्रीन वाली होती है। अच्छा। और गोल्डन फर्न ये उसकी अलग वैरायटी होती है, इसका कलर गोल्डन होता है। मैंने ना इसके बारे में बहुत सुना है कि जिसके घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती ना, तो वहाँ पे भी चल जाते हैं ये वाले। हाँ जी, ये लो लाइट के अंदर बहुत अच्छा चलता है, बोस्टन फर्न वाला, गोल्डन फर्न दोनों। बस इसको थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, जहाँ पानी ज्यादा होगा वहाँ पे ज्यादा अच्छा चलेगा। तो इसका क्या रेट है यहाँ पे भैया? गोल्डन फर्न का रेट 350 है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये स्पैरा मैरी आ जाती है हैंगिंग के अंदर, ये 250 की है। ये आपका सेमी शेड और आउटडोर दोनों जगह चल जाता है। अच्छा, इसको एस्पेरागस वगैरह बोलते हैं, वही वाला उसी ये है, उसी फैमिली से है, स्पैरागस इसी फैमिली का है। ये स्पैरा मैरी है, स्पैरागस। अच्छा। जो होता है वो ग्रास की तरह चलता है, और मैरी के अंदर ये गुच्छे के अंदर जो इसमें निकल रहा है, जैसे क्रिसमस ट्री टाइप के जैसे होते हैं। अच्छा, उस टाइप से। ये 250 का बताया आपने? हाँ जी, ये 250 का है हैंगिंग के अंदर। अच्छा, ओके। ये अपने सीडम की वैरायटी है, ये अपना हैंगिंग में बड़ा अच्छा चलता है, और अपना ये सेमी शेड आप इसको रख सकते हैं। इसका रेट क्या होगा भैया? इसका रेट 300 होता है। ओके, हैंगिंग में है, बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। जब मिट्टी ड्राई हो उसी टाइम पानी दीजिए, महीने में एक बार खाद डालिए। गर्मी में चल जाएगा? गर्मी सर्दी हर मौसम में चलता है। अच्छा, वाह क्या बात है। और जिसके नेक्स्ट वाले ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये फर्न की एक और वैरायटी। अच्छा। आ गई है, ये भी अपना फर्न की कोई सी भी वैरायटी आप ले सकते हैं, सारी ही लो मेंटेनेंस होती है, बस अपना पानी का इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है तो ग्रोथ अच्छी लेता है। अच्छा, तो ये फर्न की जितनी भी इनका क्या रेट वगैरह है? इनका फर्न की ये बास्केट 350 की रेंज के अंदर है। ये एक अपनी फर्न हो गई, ये अपनी फर्न में एक और नई वैरायटी है कॉटन टच। अच्छा, ओके। ये थोड़ा इसका आप पत्ता छू के देखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे आप रुई वगैरह छू रहे हो, इसलिए इस वैरायटी का नाम कॉटन टच है। अच्छा, ये भी अपना लो मेंटेनेंस है, लो लाइट में बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, ओके। सो सुमित भाई, आपकी इतनी बड़ी नर्सरी है, तो मेरे उसको देख के थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे अगर अब जैसे हमारा सीजनल, अब जैसे विंटर्स आ रही है, अब समर्स आ रहे हैं, तो कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हमें लगाने चाहिए इस टाइम पे? अब फ्लावरिंग प्लांट अपने गर्मियों में अपना हैबिस्कस लगा सकते हैं। अच्छा। रोज लगा सकते हैं, मोगरा है, मोतिया है, रातरानी है, चमेली है, लोरोपेटलम आता है, और इसके अलावा
उसके अलावा फ्रूटिंग वगैरह में जैसे फ्रूट्स वगैरह वाले जो प्लांट्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं सारे? अपने पास सारे मिल जाएंगे, अपने पास फ्रूट के अंदर आम है, अंगूर है, अनार है। अच्छा, मिल जाता सारे भी? सब चीज़ जी, किन्नू मिल जाएगा, मौसम मिल जाएगा, लेमन मिल जाएगा। ये आम के तो पेड़ ही आपने पीछे ही रखे हुए हैं, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये देखिए अभी कुछ टाइम के बाद इससे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अच्छा, हाँ ये इसकी फ्लावरिंग है। ये मैंगो है? ये क्या, कौन सी वैरायटी होगी ये? ये मैंगो के अंदर दशहरी वैरायटी है। और क्या इसका क्या रेट होगा इसका भैया? इसके अंदर दो साइज हैं, छोटा प्लांट है वो 350 की रेंज में है, और ये जो बड़ा प्लांट है ये 850 की रेंज में है। ये बनाना वाले चाहिए? फिर ये अपना ट्रैवलर पाम आ जाता है, 650 की रेंज में हो जाता है। ये लीची के प्लांट रखे हुए हैं इस तरफ, ये लीची अपना 650 की रेंज में है। ये बोगनवेला आ गए, ये बोनजाई के लिए आए हुए हैं अभी, ये सब के सब ट्रे के अंदर लगेंगे। तो मतलब गर्मियों की आपकी पूरी तैयारी है ऑलरेडी? हाँ, हाँ जी बिल्कुल तैयारी चल रही है, सारे नए प्लांट सारे हैं। अच्छा, क्या बात है। एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लोगों की रिक्वेस्ट बहुत रहती है कि जिसमें खुशबू आए जिन जिन फूलों में, वो कौन से पौधे मेन होते हैं? खुशबू वाले के अंदर अपना एक मोगरा आता है, ओके, चमेली आती है, हाँ, रात की रानी आती है, अच्छा, गार्डेनिया आता है, और कुंद आता है, और एक जूही आती है। ये पांच छह वैरायटियां होती हैं जो सबसे अच्छी खुशबू वाले होते हैं। खुशबू वाले होते मतलब आपके गार्डन को मतलब बहका देंगे। हाँ जी, तो ये आपके इसमें अवेलेबल होते हैं सारे? हाँ जी, ये सब अवेलेबल होते हैं। और अगर आप बड़े में थोड़ा लगाना चाहते हैं तो एक माइकेलिया चंपा आती है। माइकेलिया चंपा, अच्छा। हाँ जी, उसका खुशबू का फूल आप एक बार सूंघ लेंगे तो जी उससे अच्छा आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आप उसको गार्डन के किसी भी कोने में लगा दीजिए। अच्छा। अब जिस तरफ आपकी हवा चलेगी उस तरफ उसकी स्मेल जाती है। माई केले चंपा आपके पास में है? हाँ जी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छा। रखी हुई है ऊपर, तो ये आपने बताया कि ये है माई केले चंपा। हाँ जी, इसको स्वर्ण चंपा भी बोलते हैं। अच्छा, इसका ये गोल्डन कलर का फ्लावर होता है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। आप इसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, इसका फूल तोड़ के पूरे दिन इसकी खुशबू रहेगी आपकी गाड़ी के अंदर। अच्छा, तो ये सारे ग्राफ्टिंग वाले लग रहे हैं मुझे। हाँ, सारे, के सारे, सारे सारे ग्राफ्टेड होते हैं। हाँ। आप इसको अपने घर के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। आप जहाँ भी कॉर्नर पे लगाएंगे और जिस तरफ आपकी हवा चलेगी उस तरफ आपकी महका देगा पूरे गार्डन को खुशबू में। अच्छा, ये क्या, इससे क्या रेट होगा इसका? इस वाली माइकेलिया चंपा का रेट आपका 1800 रुपए होता है। बाकी इसमें छोटे प्लांट भी आते हैं, 650 की रेंज होती है, और इससे बड़ा प्लांट भी आता है वो 2500 की रेंज में होता है। अच्छा, सो सुमित भाई, ये चीकुओं से भरा हुआ पौधा, पौधा नहीं बोलूंगा पेड़ ही बोलूंगा, ये कितने का है? ये अपना प्लांट 3000 रुपीज का है। अच्छा, ये वेल ग्रो है, उम्र भी इसकी अच्छी खासी है, 5 से 6 साल की उम्र है। अच्छा, ये अपने कम से कम एक बारे में 30 से 40 फल देता है। अच्छा, तो ये आपने बताया कि 3000 रुपए का? 3000 रुपए का। ओके, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके ऊपर ये एक बात बताओ, ये थोड़े से हार्ड लग रहे हैं चीकू, ऐसे ही होते हैं क्या इसके अंदर शुरू में? हाँ जी, शुरू के अंदर ये हार्ड ही होता है, जब अपना पूरा मिच्योर हो जाता है, प्रॉपर साइज हो जाता है, उसके बाद अगर आप इसको तोड़ के पेपर में रैप करके अपने पास रख लेंगे तो 2 से 3 दिन में पक जाता है। पक जाता है, फिर वो खाने लायक हो जाता है। खाने लायक हो जाता है। तो अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये अमरूद के भी दिख रहे हैं और अच्छे खासी फ्रूटिंग भी हो रखी है। ये देखिए कितना अच्छा फूल आ रखा है फ्रूट। ये कौन सी वेरायटी होगी ये वाली? ये अपनी ताइवान पिंक वैरायटी है। अच्छा, ताइवान ये अपना छोटे से ही फ्लावर या अपनी फ्रूटिंग करनी स्टार्ट कर देती है। अच्छा, हाँ। और इसका क्या प्राइस होगा? इस वाले प्लांट का प्राइस 1500 रुपए है। 1500 रुपए। हाँ, इसके अंदर अपने पास बड़े प्लांट भी मिल जाएंगे जिसका रेट 3000-3500 है, और छोटा भी मिल जाएगा अपने को 300 रुपए की रेंज में भी है। तो इसके ये अंदर से वो तो नहीं जो लाल वाले वाला, वही वैसे? हाँ जी, इसका अंदर से हल्का पिंक कलर आता है। पिंक कलर का, सॉरी, अच्छा पिंक कलर का आता है, इसलिए उसका नाम भी ताइवान पिंक रखा हुआ है। ताइवान पिंक जो है। सो ये देखिए सकुलेंट की वैरायटी, देखिए कितनी सारी वैरायटी है। एक ये किश्ती में लगा हुआ है, इसका रेट है 2500 रुपए, और जो छोटी बास्केट्स में लगा हुआ है ये है 1500-1500 रुपए के, जो छोटे इसमें लगे हुए ये सेरेमिक पॉट्स में। आपको पता, जब भी मुझे बोनजाई दिखते हैं ना तो मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी कमजोरी है। आप अगर इस फाइकस बोनजाई का देखिए क्या अच्छी शेप है, कितना हेल्दी प्लांट है। आप देखिए इतना, आपको इतना हेल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए सारे ये ग्राफ्टेड वाले हैं ये। सो सुमित भाई, इसका कितना क्या रेट होगा सर, कितना प्राइस होगा इसका? इस प्लांट का प्राइस 15000 है। 15000 रुपए, ओके। हाँ जी, और ये भी अपने बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं, सब इंडिया के बाहर से ही आते हैं वाय कंटेनर। तो ये तकरीबन 10 साल से ज्यादा की इसकी एज होगी? एज भी कम से कम 25 से 30 साल होगी। 25 से 30 साल, अरे हाँ वाह, क्या बात है यार, देखते ही बनता है यार।
सो मैं अगर सही बताऊँ ना तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा सुमित भाई ने जिस हिसाब से बताया और जिनकी नर्सरी है। सो दोस्तों पौधे आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह प्लांट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, वो शायद आपको हर जगह नहीं मिलेगी। सो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आइए और आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको पूरी की पूरी आपको पूरी सर्विस मिलेगी 100%। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको समझाया जाएगा सारा का सारा। सो सुमित भाई कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे, मतलब आप कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे रहेगा सब कुछ, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा। आपको वो जब भी आप हमारी नर्सरी में आते हैं आपको प्लांट्स के बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी, उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे केयर करना है, कहाँ पे रखना है, इंडोर है आउटडोर है, उसको क्या क्या फर्टिलाइज़र देने हैं, क्या पेस्टिसाइड देने हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपके कॉल पर भी आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ। बाकी आपका, आप हमारे यहाँ आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सुमित भाई, आपने अपना टाइम दिया और लोगों तक आप अच्छी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए शुक्रिया अदा। सो दोस्तों प्लीज़ देखते रहिए टिशू ग्रीन प्लैनेट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।